दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हमें न जाने कई ऐसे कलाकार देखने को मिले हैं जिन्होंने अपने हर एक किरदार से दर्शकों का दिल जीता है, और इन मामलों में बॉलीवुड इंडस्ट्री के नन्हे मुन्ने कलाकार बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे हैं, जिन्होंने अपनी मासूमियत और शरारतों का जलवा कुछ इस तरह से बिखेरा है कि देश भर के लोग इनके रंग में रंगते हुए नजर आए हैं। ने उनके हर एक प्यारे प्यारे किरदार के लिए आज भी बखूबी याद रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्यारे प्यारे कलाकार बीते सालों में आज काफी ज्यादा बदल चुके हैं। इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप 5 कलाकारों के आज के बारे में बताने वाले हैं जो काफी ज्यादा बदल चुके हैं। तो देर ना करते हुए चलिए एक एक करके रूबरू होते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों के आज से। नंबर 1, अनुज पंडित। कोई मिल गया फिल्म में बिट्टू सरदार का किरदार भला कोई कैसे भूल सकता है, जिस किरदार को निभाया था बाल कलाकार अनुज पंडित ने, जिन्होंने अपनी चंचलता और मासूमियत से सभी को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन इस फिल्म में पगड़ी बांधे छोटे सरदार की भूमिका निभाने वाले ये एक्टर आज काफी बदल चुके हैं और 30 साल की उम्र में आज काफी स्मार्ट और डैशिंग दिखाई देते हैं। साथ ही अब काफी स्टाइलिश पर्सनैलिटी इनकी दूसरी खासियत भी बन चुकी है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी साफ देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये पहले की तरह आज भी सिंगल हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रह रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये पिछले 3 सालों से किसी भी फिल्म या सीरियल में नजर नहीं आए हैं, जिन्हें लास्ट टाइम आदत से मजबूर सीरियल में अभिनय करते हुए देखा गया था। नंबर 2, अरजान दस्तूर। आपको बॉलीवुड की यादगार फिल्म कुछ कुछ होता का छोटा सा साइलेंट सरदार तो जरूर याद होगा, जिस किरदार को टैलेंटेड चाइल्ड आर्टिस्ट परजान दस्तूर ने इतनी मासूमियत से निभाया था कि इनके द्वारा बोला गया छोटा सा डायलॉग तुसी ना जाओ को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म में अक्सर तारे गिनने वाला ये छोटे साइलेंट सरदार अब 30 साल के हो गए हैं और पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग और चार्मिंग नजर आते हैं, जैसा कि इनकी ये तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं। वहीं बता दें कि ये अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड डेलना श्रॉफ के साथ एंगेजमेंट कर चुके हैं और इन्होंने दोबारा से अपने करियर की शुरुआत भी कर ली है, लेकिन अब ये बतौर एक्टर नहीं बल्कि बतौर फिल्म डायरेक्टर और राइटर काम करते हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का हिस्सा भी रह चुके हैं। नंबर 3, कार्तिक आर्यन। नंबर 3 पर शुमार होने वाले अभिनेता हैं कार्तिक आर्यन, जिन्होंने यूं तो किसी भी फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम नहीं किया है, पर अगर बात करें इनके चाइल्डहुड लुक के बारे में तो बता दें कार्तिक आर्यन आज जहां काफी ज्यादा हैंडसम लगते हैं, तो वहीं इनके बचपन की तस्वीरों में इनका पहला वाला अंदाज देखा जा सकता है, जिसमें ये बेहद गोलू मोलू थे, जिनके बालों की कटिंग से लेकर आज इनका फेस स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल चुका है। इसी वजह से आज इनकी क्यूटनेस डैशिंग और हैंडसम लुक में बदल चुकी है। वहीं बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो बता दें ये फिलहाल अपनी लाइफ में सिंगल हैं और अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, जहां जल्द ही इन्हें भूल भुलैया 2 फिल्म में देखा जाने वाला है। नंबर 4, आदित्य कपाड़िया। जी हाँ, जानवर फिल्म में अक्षय कुमार के बेटे राजू की भूमिका निभाने वाले बाल कलाकार भी इस लिस्ट में शुमार हैं। बता दें इस किरदार को पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता हैं आदित्य कपाड़िया, जो कि वर्तमान में अपनी 35 साल की उम्र पार कर चुके हैं और इसीलिए आज इनमें काफी बदलाव आ चुका है। आज इनके चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ चुकी हैं, साथ ही आज ये काफी स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, जिसके चलते इनका क्यूट वाला लुक स्टाइलिश लुक में बदल चुका है। बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो बता दें इन्होंने साल 2013 में अभिनेत्री तन्वी ठक्कर से शादी की थी, जिनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में दोनों का प्यार आज भी बरकरार है। वहीं बात करें इनके करियर की तो ये कुछ समय से अपने करियर में एक्टिव नहीं है। नंबर 5, विकी कौशल। इस लिस्ट में आखिरी नाम शामिल है अभिनेता विकी कौशल का। बता दें विकी कौशल ने भी यूं तो कार्तिक आर्यन की तरह बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किसी फिल्म में काम नहीं किया, पर अगर बात करें इनके चाइल्डहुड लुक के बारे में तो बता दें विकी कौशल की तस्वीरों में उनके आज और पहले में अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी हाँ, विकी कौशल जहाँ पहले गोलू मोलू गाल और घुंघराले बालों में मासूम से एक्सप्रेशन देते हुए काफी क्यूट लग रहे हैं, तो वहीं आज इनका ये लुक पूरी तरह बदल चुका है, जो अब क्यूट नहीं बल्कि काफी हैंडसम लगने लगे हैं, जिनके चेहरे पर इनका बियर्ड लुक और हेयर स्टाइल तो इन्हें अलग ही लुक देता है। बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो बता दें ये जल्द ही बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कैटरीना कैफ से शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वहीं बात करें इनके करियर की तो बता दें ये जल्द ही गोविंदा नाम मेरा फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, इनमें से किसके बदले हुए रूप को देखकर आप सबसे ज्यादा हैरान हुए हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।